गुड इवनिंग टू ऑल स्टूडेंट्स, वेलकम टू एग्जामपुर। आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सभी बच्चे जल्दी से एक बार लाइव आ जाइए और इस सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो सभी को नमस्ते, सभी को प्रणाम, सभी को बहुत सारा प्यार। और सभी बच्चे एक बार जल्दी से आ जाइए और एक बार मुझे जल्दी से आप सभी बच्चे बता देंगे कि ऑडियो और वीडियो ठीक है या फिर नहीं है। जल्दी से एक बार आप सभी बच्चे मुझे यहाँ पर कंफर्म कर दीजिए कि ऑडियो और वीडियो ठीक है या फिर नहीं है। नमस्ते, नमस्ते, सभी को नमस्ते। आ जाइए सभी बच्चे एक बार जल्दी से, फटाफट से सेशन को स्टार्ट करते हैं अब हम लोग। ऑडियो और वीडियो ठीक है ना, एक बार प्लीज आप सभी कमेंट करके बता दो। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग, नमस्कार सभी को। सब कुछ ठीक है मैम, ओके। चलो बच्चों, तो फिर स्टार्ट करते हैं आज का जो हमारे यहाँ पर सेशन है उसको, ठीक है। और सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जिन बच्चों ने हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है फटाफट से डाउनलोड कर लीजिएगा, और ऐसे बच्चे जिन्होंने बहुत पहले डाउनलोड किया था वो अपडेट ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि आप सभी को पता है कि हमारे एग्जामपुर एप्लीकेशन की अगर हम बात करें तो हमारे एप्लीकेशन में बहुत सारे नए नए फीचर्स आते रहते हैं और बहुत सारी फ्री क्लासेस भी आप लोगों के लिए उपलब्ध है, तो उसको ज़रूर ले लीजिएगा। तो सभी को नमस्ते, प्रणाम, सभी को प्रणाम। आ जाइए सभी और चलिए सेशन को हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो पहला क्वेश्चन है वह आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है और जल्दी से आप लोगों को इसका आंसर यहाँ पर करके बताना है कि कौन सा आंसर यहाँ पर हमारा सही बनेगा। तो जो पहला हमारा क्वेश्चन है वो है कि जब हम अपनी त्वचा के बारे में बात करते हैं, यानी अपनी स्किन के बारे में बात करते हैं, तो जो भी हमारी त्वचा होती है उसके सबसे बाहर की परत कौन सी होती है, उसके बाहर की सबसे ज्यादा परत कौन सी होती है? बताइए जल्दी से इसका आंसर करिएगा। कौन सा आंसर यहाँ पर आपका सही होना चाहिए बताइए, फटाफट से इसका आंसर करिए। अब सबसे पहले अगर हम यहाँ पर देखें तो आपको आंसर करना है यहाँ पर कि भाई अगर आप स्किन के बारे में बात करते हो तो जो हमारी स्किन होती है वो हमारे शरीर की सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन होता है। क्या होता है? सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन, यानी कि सबसे बड़ा अंग होता है, ठीक है। इस चीज को ध्यान आपको रखना है। काफी जो बच्चे हैं वो सोचते हैं कि जो यकृत है वो सबसे बड़ा अंग है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप देखो तो लार्जेस्ट ऑर्गन कौन सा होता है? हमारी जो स्किन होती है, हमारी जो त्वचा होती है, वही सबसे लार्जेस्ट यहाँ पर होती है। इस चीज को आप लोगों को ध्यान में रखना है। नमस्ते बच्चों, सभी को नमस्ते, प्रणाम। आ जाइए सभी, थैंक यू सभी बच्चों को। शनिवार को क्लास नहीं हुई थी बेटा, ठीक है, शादी में गए थे ना, तो फिर आज सुबह ही आए हैं, ठीक है। तो अब फिर से क्लास चल रही है हम लोगों की, सैटरडे को क्लास नहीं हुई थी, ठीक है। तो नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट बनता है कि त्वचा की जो सबसे बाहर की लेयर होती है उसको हम क्या कहते हैं? एपिडर्मिस यहाँ पर कहते हैं। क्या कहते हैं? एपिडर्मिस यहाँ पर हम इसको कहते हैं। और हमारी स्किन की 3 लेयर्स हो सकती हैं जो मोटे तौर पर जानी जाती हैं, पहला एपिडर्मिस, दूसरा डर्मिस और हाइपोडर्मिस। लेकिन अगर आपसे सबसे बाहर की परत पूछा जाता है, सबसे एक्सटर्नल जिसको आप यहाँ पर महसूस कर सकते हैं, वह कौन सी होती है? तो आंसर करना है यहाँ पर एपिडर्मिस। थैंक यू साक्षी, सभी बच्चों को थैंक यू। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस पौधों की जड़ों में गांठ पाई जाती है? इनमें से कौन सा ऐसा पौधा होता है जिसमें यहाँ पर गांठ पाई जाती है? नमस्ते लोकेश, सभी बच्चों को नमस्ते। आ जाओ फटाफट से। हिटमैन, हाँ क्लास नहीं हुई थी। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे पॉइंट बनता है कि ऐसे पौधे जिनमें जड़ों में गांठ पाई जाती है। अब अगर आप लोग यहाँ पर नॉर्मली तौर पर देखते हैं, अंतर्मुखी बालक कह रहे रसगुल्ले खाए आपने, रसमलाई खाई, हाँ सब कुछ खाया बढ़िया से। चलो अभी पढ़ाई कर लो और फिर उसके बाद मैं आप लोगों से बात करूंगी, ठीक है। पहले अभी थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे पढ़ लेते हैं। अब नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है वो है यहाँ पर लेग्यूमिनियस प्लांट। क्या हो जाता है यहाँ पर? लेग्यूमिनियस प्लांट। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है वह बिल्कुल हमारा यहाँ पर सही है। तो सबसे पहले लेग्यूमिनियस प्लांट के बारे में अगर हम बात करें तो इसको आप लोग क्या कह सकते हो? यहाँ पर दलहन पौधे कह सकते हो। क्या? दलहन पौधे आप इसको यहाँ पर कह सकते हो, या फिर आप इसे क्या कह सकते हो? यहाँ पे फलीदार पौधे। कैसे? फलीदार पौधे, ठीक है। सबसे पहले आप लोगों को यह यहाँ पर देखना है कि जो भी हमारे यहाँ पर फलीदार पौधे होते हैं या फिर जो भी हमारे यहाँ पर दलहन पौधे होते हैं वह किस तरीके के हैं। तो एक ऐसे पौधे जिनसे हमें दाल मिलती है, फलियां मिलती हैं, पोर्ट्स मिलते हैं, उन सभी को क्या कहा जाता है यहाँ पे, लेग्यूमिनियस प्लांट यहाँ पर कहा जाता है। आप सभी को यह भी पता होगा कि सोयाबीन के बाद अगर आप दालों के बारे में बात करो तो दालों में बहुत ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है। क्यों पाया जाता है, तो आप सभी को यह बात भी बहुत अच्छे से पता होगी कि जब कभी भी हम प्रोटीन के बारे में बात करते हैं तो प्रोटीन किससे बना हुआ होता है, नाइट्रोजन का कंटेंट, यानी नाइट्रोजन का जो घटक है वो सबसे ज्यादा यहाँ पर पाया जाता है। इसका मतलब नाइट्रोजन जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा ही आप देखेंगे कि प्रोटीन की मात्रा ज्यादा होगी। अब यहाँ पर दूसरे नंबर पर कि अगर आप दलहन पौधे यानी लेग्यूमिनस प्लांट को देखते हो तो उनकी जो जड़ें होती हैं, ठीक है, उनके जो जड़ें होती हैं उनमें मोटी मोटी सी गांठें सी दिखाई देती हैं। अब ये जो गांठें होती हैं ये कोई सामान्य गांठ नहीं होती। यहाँ पे अगर हम माइक्रोस्कोप से देखें तो हमें यहाँ पर बहुत सारी बैक्टीरिया दिखाई देती है। क्या दिखाई देती है, बहुत सारी बैक्टीरिया यानी जीवाणु यहाँ पर दिखाई देती है। और ये जो जीवाणु होते हैं वो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं, नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करने वाले बैक्टीरिया यहाँ पर होते हैं। और ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप यानी सहजीवता के साथ लेग्यूमिनस प्लांट के साथ यहाँ पर रहते हैं। जो पेड़ पौधे होते हैं वह इनको रहने के लिए जगह प्रदान करते हैं और ये जो नाइट्रोजीनियस बैक्टीरिया होती है यह इनको नाइट्रोजन, वाटर और दूसरे जो मिनरल्स होते हैं वह लाला करके यहाँ पर देते हैं और दोनों बहुत ही हंसी खुशी से यहाँ पर रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप बैक्टीरिया के बारे में बात करो तो जैसे कि राइजोपस बैक्टीरिया हो गई, इसके अलावा आप बात करते हैं एग्रीकस बैक्टीरिया, जो एग्रीबैक्टर हो गई, एग्रोबैक्टर जिसको कहा जाता है वह हो गई। कुछ बच्चे यहाँ पे कह रहे हैं कि नॉस्टॉक, नहीं बेटा नॉस्टॉक और जो एनबीना होता है वह एक तरह का एल्गी होता है, उसको हम बैक्टीरिया में यहाँ पर गिनती नहीं करते। ठीक है, तो बैक्टीरिया अलग चीज होती है और जो नॉस्टॉक है, एनाबीना है जो कि एल्गी है वो अलग चीज होती है। वो भी नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, वो भी फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं, जो उत्वरक शक्ति होती है ना उसको यहाँ पर बढ़ाते हैं, लेकिन वो अलग होते हैं। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखना। नेक्स्ट जो है यहाँ पर वो भी मैं आपको बता देती हूँ, पैरासिटिक प्लांट्स। पैरासिटिक प्लांट्स मतलब ऐसे पौधे जो रहने और खाने के लिए किसी और के ऊपर डिपेंड होते हैं, किसी और के ऊपर निर्भर होते हैं, उनको हम पैरासिटिक प्लांट्स यहाँ पर कहते हैं। आप सभी ने यहाँ पर यह तो देखा ही होगा कि अगर आप कस्क्यूटा के बारे में बात करते हो जिसको अमरबेल कहा जाता है, उसकी अगर हम यहाँ पर बात करें तो वह क्या आ जाता है, पैरासाइट प्लांट्स यहाँ पर कहलाए जाते हैं। ठीक है, दूसरे नंबर पर आता है एपीफाइट्स प्लांट। अब एपीफाइट्स प्लांट क्या होते हैं, तो बेटा आपको ध्यान में रखना है कि एपीफाइट्स जो होते हैं वो सिर्फ रहने के लिए किसी और के ऊपर निर्भर होते हैं, लेकिन अपना भोजन वह स्वयं यहाँ पर बना लेते हैं। तो एक चीज ध्यान में रखना कि जो पैरासाइट्स होते हैं वो रहने खाने दोनों के लिए किसी और के ऊपर निर्भर होते हैं, और अगर हम यहाँ पर एपीफाइट्स के बारे में बात करते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ रहने के लिए ही किसी और के ऊपर यहाँ पर निर्भर होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे आता है एक्वेटिक प्लांट। और एक्वेटिक प्लांट की अगर हम बात करें तो जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं वो जलीय पौधे हैं जो जल में यहाँ पर रह रहे हैं, जहाँ पर ज्यादा जल है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम यहाँ पर बढ़ते हैं। चलो बच्चों, थैंक यू जाट गर्ल, सभी बच्चों को धन्यवाद। अब बताइए फटाफट से, अब केचवा किस प्रजाति के अंतर्गत यहाँ पर आता है, केचवा किस प्रजाति के अंतर्गत यहाँ पर आता है, बताओ बच्चों जल्दी से इसका आंसर करो। यहाँ पर कौन सा आंसर यहाँ पर आपका सही होगा, बताओ फटाफट से, जल्दी से इसका आंसर करो। कौन सा आंसर यहाँ पर आपका सही होना चाहिए। अब जो आंसर की अगर हम यहाँ पर बात करें तो आंसर क्या हो जाएगा, एनालिडा यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो फटाफट से इसको नोट करेंगे, एनालिडा यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, दूसरे नंबर पर हम बात करते हैं कि एनालिडा का क्या मतलब होता है। तो एनालिडा मतलब कि सबसे पहले तो यह कैसे होते हैं, नॉन कॉर्डेट्स होते हैं जिनके पास रीढ़ की हड्डी यानी नोटोकॉर्ड नहीं पाया जाता है। इनको अगर आप ध्यान से देखो तो इस तरह के जो जीव होते हैं वह कैसे होते हैं, मेटामेरिकली सेगमेंटेड होते हैं, मेटामेरिकली सेगमेंटेड बॉडी इनकी यहां पर देखने के लिए मिलती है। हिंदी में अगर हम देखें तो आप देखेंगे उपखंडीय युक्त शरीर इनके यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। तो अगर आप केचुआ को देख लो, लीच यानी जोक को देख लो, तो वो सभी किसके अंतर्गत यहाँ पर पढ़े जाते हैं, एनालिडा के अंतर्गत वह यहाँ पर पढ़े जाते हैं। जबकि अगर हम बात करते हैं प्रोटोजोआ के बारे में तो प्रोटोजोआ में जो प्रोटिस्टा जगत के जो सदस्य होते हैं वो सभी यहाँ पर आते हैं, जैसे कि नंबर 1 अमीबा, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, प्लाज्मोडियम है ना, पैरामीशियम, युगलिना और लेशमानिया, ये सभी के सभी क्या कहलाते हैं, प्रोटोजोआ कहलाते हैं। नाइडेरिया की अगर हम बात करते हैं तो इसके अंदर जैसे जेलीफिश है वो सभी आते हैं, और साथ में यहाँ पर मोलस्का की अगर हम बात करें तो ऑक्टोपस, पर्ल ऑयस्टर यानी मोती बनाने वाली जो सीप है, घोंघा हो गया और शंख, ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं, मोलस्का के अंतर्गत यहाँ पर आते हैं। ठीक है, क्लियर है बच्चों यहाँ पर? ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर यहाँ पर बढ़े, पर उससे पहले कुछ महत्वपूर्ण बातों को मैं यहाँ पर बताती हूँ कि आप लोग अगर एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी के लिए आया हुआ है मिशन वर्दी बैच। मिशन वर्दी बैच की हम बात करें तो आप सभी को एक कोड यहाँ पर यूज करना है, GD 499 कोड, जिससे यह बैच आप लोगों को 499 में यहाँ पर उपलब्ध हो जाएगा। और इसमें आप लोगों को मिलेगा लाइव क्लासेस, क्लास की प्रॉपर PDF, टेस्ट सीरीज, प्रैक्टिस क्वेश्चन, करंट अफेयर मैगजीन, डेली प्रैक्टिस पेपर और डाउट सॉल्विंग क्लास भी आप लोगों को मिलेगा, तो आप लोग जरूर इसको ले सकते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा एसएससी जीडी कांस्टेबल क्लास के जो नोट्स हैं कंप्लीट, वो भी आप लोगों के लिए उपलब्ध हैं। ठीक है, जिसमें सामान्य बुद्धि एवं तर्कता यानी सभी तरह के जो भी हमारे डिफरेंट सब्जेक्ट्स इसके अंदर हैं, जो कॉलम है यहाँ पर उसकी हम बात करें तो वो सारा सब कुछ यहाँ पर मिलेगा। कितने रुपए का, 999 का यहाँ मिलेगा, क्योंकि अब इसमें 50% तक की छूट यहाँ पर आपको मिल गई है। नमस्ते बच्चों, सभी को नमस्ते। हाँ, ये क्वेश्चन नहीं है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। ठीक है विकल्प, बहुत अच्छे। ओके, आगे नेक्स्ट बढ़ेंगे। रिंगवर्म नामक बीमारी किसके कारण यहाँ पर होता है? रिंगवर्म नामक बीमारी किसके कारण यहाँ पर होता है? चलो बच्चों, जल्दी से इसका आंसर करो, कौन सा आंसर यहाँ पर आपका सही होना चाहिए, बताइए फटाफट से इसका आंसर करिए, कौन सा आंसर यहाँ पर आपका सही होना चाहिए। बेटे सभी को नमस्ते, सभी को प्रणाम, आ जाओ फटाफट से। चलो ऐड को स्किप कर दीजिए, चलो हो गया, वो बताना जरूरी है, कुछ बच्चों को नहीं पता है ना, इस वजह से। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पर रिंगवॉर्म कैसा रोग है? आपने देखा है कि पहले एक एडवर्टीजमेंट आता था जिसमें एक बंदर आता था और वो दिन भर अपनी खुजली करता रहता था, दाद खाज खुजली, और फिर उसके लिए एक ऐड आता था कि आप अब तुम क्या लगाओ यहाँ पर, रिंग गार्ड लगाओ और ठीक हो जाओ। फिर बंदर हंस देता था कि हाँ मैं अब ठीक हो गया हूँ, याद है ना। जालिम लोशन, हाँ जालिम लोशन के ऊपर भी एक ऐड आता था, बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ठीक बात है। तो ये जो रोग होते हैं या किसकी वजह से होते हैं, तो आंसर आपको करना है यहाँ पर कि कवक की वजह से होते हैं। किसकी वजह से होते हैं? कवक की वजह से होते हैं, यानी जो फंजाई होते हैं उनकी वजह से यह रोग यहाँ पर होते हैं। ठीक है, तो फटाफट से इसको यहाँ पे नोट कर लीजिए। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम यहाँ पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर मैग्नीफेरा इंडिका किसका यहाँ पर साइंटिफिक नाम है? ये तो बहुत ईजी है, फटाफट से जल्दी से इसका आंसर करो यहाँ पर, कौन सा आंसर यहाँ पर आपका सही होना चाहिए, बताइए फटाफट से। थैंक यू एजे मैम, आपका अभी परेशावल वाला अभिनय। बच्चों मुझे ध्यान नहीं आ रहा कौन सी बात कर रहे हो, बाद में करते हैं। ठीक है, चलो अब चलो जल्दी से इसका आंसर करो यहाँ पर, कौन सा आंसर यहाँ पर आपका सही होना चाहिए। निहाल, अभी मेरा कोई साइंस से अलग से बैच नहीं आया है, पर अगर बच्चे डिमांड करेंगे तो बिल्कुल मैं साइंस का यहाँ पर बैच ले आऊंगी। ठीक है, तो पहले सभी बच्चे एग्री हो जाएं कि उन्हें पढ़ना है मुझसे साइंस, है ना, तो फिर उसके बाद। ठीक है, चलो आप जल्दी से इसका आंसर यहाँ पर करके बताएंगे। मैग्नीफेरा इंडिका की अगर आप यहाँ पर बात करते हैं तो कौन सा आंसर आप लोगों का यहाँ पर सही बनना चाहिए, और इसका तो बहुत ही सिंपल सा आंसर होगा और वो है यहाँ पर मैंगो यानी कि आम, है ना, सभी को पता ही होगा। फटाफट इसको नोट करेंगे, आम आदमी। ठीक है, आम आदमी। चलो हो गया बच्चों। अब नेक्स्ट हमारा यहाँ पे पॉइंट बनता है, व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ ग्वावा। चलो बच्चों जल्दी से इसका आंसर करेंगे, यहाँ पर लिखिए Pisidium guezeva, फटाफट से इसको नोट करो। चलो जल्दी से इसको यहाँ पे नोट करो। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हमारा यहाँ पे पॉइंट बनता है उसको देखते हैं, किसके बारे में, आंवला के बारे में। ये सारा सब कुछ मैंने वैसे पहले भी कराया हुआ है, पर कोई बात नहीं, लिख लीजिए यहाँ पर। अगर आप इंडियन गूजबेरी यानी कि भारतीय आंवला के बारे में बात कर रहे हैं तो इसका नाम होगा फाइलेंथस इम्ब्लिका, फाइलेंथस इम्ब्लिका। चलो फटाफट से नोट करो, व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ जैक फ्रूट। अगर आप जैक फ्रूट के बारे में बात करते हैं तो जैक फ्रूट किसको कहा जाता है, कटहल को यहाँ पर कहा जाता है। ठीक है, कटहल। ठीक है आरजे 29। और ये जो बच्चे बोलते हैं ना कि रिकॉर्डेड क्लास है, मनीषा रिकॉर्डेड क्लास है, अब बताओ अगर ये रिकॉर्डेड क्लास होती तो मैं तुम्हारा नाम देख पाती? अरे बच्चों, पिटाई हो जानी चाहिए तुम लोगों की। चलिए अब नेक्स्ट लिखे यहाँ पर आर्टोकार्पस हेटरोफाइलस। चलो फटाफट से इसको यहाँ पे नोट करो। हाँ, सभी के साइंटिफिक नाम मैंने यहाँ पे नोट कर दिए हैं, ठीक है। हाँ बिल्कुल आप कर सकते हो आशीष मान, आप पढ़ सकते हो यहाँ से। चलो अब लिख लिया सभी ने यहाँ पर। अच्छा इसको क्या कहा जाता है, ये किसके, ये साइंटिफिक नेम तो होते हैं पर इसकी जो शुरुआत है वह किस तरीके से हुई, तो लिखो यहाँ पर बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर से इसकी शुरुआत यहाँ पर हुई, जिसको हम क्या कहते हैं, द्विनाम पद्धति। द्विनाम पद्धति से इसकी शुरुआत यहाँ पर हुई। किसने दिया था द्विनाम पद्धति, तो वो भी लिख लीजिए। लीनियस नाम के साइंटिस्ट थे, लीनियस नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसके बारे में बताया, जिनको हम कहते हैं ना वर्गीकरण के जनक, है ना, टैक्सोनॉमी के फादर, वही कार्ल लीनियस ने ही बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को यहाँ पर दिया। और एक चीज और आप लोगों को, हाँ की तब बोलो, और एक चीज और आप लोगों को यहाँ पर ध्यान में रखना है कि ये जो भी नाम लिखा जाता है ना, जैसे कि हमने पेसिडियम, ग्वेजम, जो कुछ भी यहाँ पर नाम लिखा, ये हमेशा किस लैंग्वेज से लिखा जाता है, लैटिन लैंग्वेज से लिखा जाता है, लैटिन भाषा से यहाँ पर लिखा जाता है, ठीक है। और दूसरे नंबर पर यह भी आपको ध्यान में यहाँ पर रहना चाहिए कि पहला जो नाम होता है वो होता है किस चीज का, जीनस का, वंश का, और जो दूसरा वाला होता है वह क्या है, प्रजाति यानी स्पीशीज का नाम यहाँ पर होता है। तो इसके ऊपर भी काफी क्वेश्चन आप लोगों का बनता है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट की ओर हम यहाँ पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर केकड़े की प्रजाति किसके अंतर्गत यहाँ पर आती है। अगर आप केकड़े के बारे में बात करेंगे तो केकड़ा किसके अंदर यहाँ पर पढ़ा जाता है, बताओ जल्दी से इसका आंसर करो। कौन सा आंसर यहाँ पर आपका सही होना चाहिए। मैम मुझे आपका फाउंडेशन वाला कोर्स चाहिए। भारत अभी कोई भी मेरा अलग से साइंस का फाउंडेशन बैच सेपरेट नहीं आया है, जैसे ही भी आएगा मैं आपको यहाँ पर बता दूंगी, ठीक है। ठीक है अंकिता, धन्यवाद। चलो बच्चों अब नेक्स्ट बताओ, फटाफट से इसका आंसर करो। आरएच विटेकर ने यहाँ पर दिया था, वेरी गुड, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था उन्होंने, बहुत अच्छे। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर नेक्स्ट। नेक्स्ट आता है मोलस्का, निडेरिया, आर्थ्रोपोडा। क्या यहाँ पर सही आंसर बनेगा। केकड़े की अगर हम बात करते हैं तो वह आता है किसके अंतर्गत, आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत यहाँ पर आता है। किसके अंतर्गत, आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत यह यहाँ पर आता है, ठीक है। दूसरे नंबर पर आप लोगों को यह यहाँ पर ध्यान में रखना है कि जो भी आर्थ्रोपोडा के सदस्य होते हैं वह कैसे है यहाँ पर, सबसे बड़ा फाइलम यह होता है, यानी कि सबसे लार्जेस्ट फाइलम यह यहाँ पर होता है। हिंदी की अगर हम बात करें तो यह सबसे बड़ा संघ होता है, यह सबसे बड़ा संघ होता है। तो जल्दी से इसको आप लोग यहाँ पे नोट कर लीजिए, ठीक है। दूसरे नंबर पर आपको यह भी ध्यान में रखना है कि जब आप आर्थ्रोपोडा के बारे में बात करते हैं तो इनके जो सदस्य होते हैं उनके पैर किस तरीके से होते हैं, इस तरीके से, यानी कि ज्वाइंट सेगमेंटेड लेग, यानी कि अगर आप पैरों को देखते हो तो वह उपखंडी युक्त होते हैं और आपस में जोड़ से यहाँ पर जुड़े हुए होते हैं। तो इस चीज को ध्यान रखेंगे यहाँ पर कि उसे क्या कहा जा रहा है, आर्थ्रोपोडा के सदस्य यहाँ पर कहा जा रहा है। तो चाहे वह झींगा हो, चाहे वह आपके बिच्छू हो, केकड़ा हो, है ना, या फिर कान खजूरा हो, ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं। तो आंसर आपको यहाँ पे करना है कि वह आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत यहाँ पर आते हैं। तो फटाफट से नोट कर लीजिए, ठीक है अंजलि, ठीक है विमला, पढ़ लो अब, ठीक, पढ़ लो अब। चलो बच्चों नेक्स्ट आप लोगों का यहाँ पे प्रश्न बनता है कि मायोपिया आंखों का दोष है, जिसे क्या यहाँ पर कहा जाता है, बताइए फटाफट से इसका आंसर करिए, जल्दी से इसका आंसर करिए। बहुत अच्छे शिव केतन, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। अब बताओ फटाफट से इसका आंसर करो, कौन सा आंसर यहाँ पर आपका सही बनेगा। अब आंसर की हम बात करें तो यहाँ पर है मायोपिया। मायोपिया की अगर हम बात करें तो एक ऐसा रोग जिसमें जो पास की वस्तु है वह तो अच्छे से दिखाई दे रही है, लेकिन दूर की वस्तु को हम अच्छे से नहीं देख पा रहे, धुंधली हमें वह यहाँ पर दिखाई दे रही है, और उसी को क्या कहा जाता है यहाँ पर, तो आंसर करना मायोपिया उसको कहा जाता है, निकट दृष्टि दोष, ठीक है, यानी नियर साइटेडनेस इसको यहाँ पर कहा जाता है। तो होता क्या है कि यहाँ पर जो कुछ भी हम तस्वीर देख रहे हैं या जो कुछ भी हम यहाँ पर इमेज देख रहे हैं वह कैसे बनेगी, हमारे रेटिना से पहले ही बन जाएगी। अगर कोई भी इमेज आप देखते हो तो रेटिना में बननी चाहिए ना उसकी इमेज, तभी तो वो आपको अच्छे से दिखाई देगी, है ना। यहाँ पे क्या होता है कि आप जो कुछ भी देख रहे हो वस्तु, वो रेटिना से पहले ही दिख जा रही है। तो होता क्या है यहाँ पर निकट दृष्टि दोष में कि निकट की वस्तु तो अच्छे से दिखाई दे रही है लेकिन दूर की वस्तु हमें यहाँ पर साफ दिखाई नहीं दे रही है। ठीक है, इसके लिए लेजर वगैरह भी कराया जाता है, बहुत सारी तकनीक है जिससे ये सारी चीजें यहाँ पे ठीक हो सकती हैं। अब नेक्स्ट जो आपका पॉइंट बनता है वह ये कि अगर हम इसको ठीक कराना चाहें, हम चलो सर्जरी नहीं कराना चाहते तो हम किस तरह के लेंस का उपयोग करेंगे अपने चश्मे में, ये भी तो प्रश्न आपका बन सकता है। चलो बच्चों जल्दी से इसका आंसर करो, कॉनकेव लेंस, वेरी गुड। तो लिख लीजिए इसके लिए हम सभी कॉनकेव लेंस का उपयोग यहाँ पर करते हैं, यानी अवतल लेंस का यहाँ पर हम उपयोग करते हैं। ठीक है, तो जो हम चश्मा यहाँ पर पहनेंगे उसमें किस तरह का दोष उस दोष को सही करने के लिए हम किस तरह का चश्मा पहनेंगे, तो आंसर करना कॉनकेव लेंस यानी अवतल लेंस का प्रयोग हम यहाँ पर करेंगे। और अगर दूर दृष्टि दोष है तब आप क्या करोगे, तो उस टाइम पे आप उत्तल लेंस पहनोगे। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखना। अब नेक्स्ट पॉइंट की ओर हम यहाँ पर बढ़ते हैं कि हरित क्रांति के जनक के रूप में किसे यहाँ पर जाना जाता है। काफी अच्छा प्रश्न है, बताइए फटाफट से। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। कुछ बच्चे रोने लगते हैं, अरे रो मत, खुश रहो। ठीक है, चलो अब जल्दी से इसका आंसर करो, कौन सा आंसर यहाँ पर हमारा सही होना चाहिए। रॉबर्ट न्यूक्लियस होगा या फिर विल्मट होगा या फिर बोरलोग होगा या फिर जेसी बोस यहाँ पर होगा। चलिए जल्दी से इसका आंसर करेंगे फटाफट से, कौन सा आंसर यहाँ पर आपका सही होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर आप हरित क्रांति के बारे में बात करें तो इसका जो सही आंसर बनेगा वह क्या हो जाएगा यहाँ पर सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो बोरलोग यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, इंडिया की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो इंडिया में डॉक्टर स्वामीनाथन का नाम यहाँ पर आता है। किसका नाम आता है, लिख लीजिए यहाँ पे, डॉक्टर स्वामीनाथन का नाम यहाँ पर आता है, जिन्होंने भारत के अंदर हरित क्रांति की उद्घोषणा की थी या जनक उनको माना जाता है हमारे भारत के अंदर। ठीक है, यहाँ पर आप देखोगे कि जैसे गेहूं है, धान है, उन सभी के उत्पादन के लिए बहुत ज्यादा जोर दिया गया था ताकि जो भूखमरी है या उससे पहले बहुत लंबे समय तक अकाल चला जिसकी वजह से भूखमरी की वजह से भारत क्या हो रहा था, अन्न से कम होता जा रहा था, तो उसको सही करने के लिए यहाँ पर यह किया गया। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखना। ठीक है, ओके, भारत के हरित क्रांति, हाँ बिल्कुल ठीक है। ठीक है बच्चों, जो नए नए बच्चे हैं उनका बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, डेली क्लास में आना, डेली आपकी यह क्लास चलती है बच्चों, डेली आपको क्लास में आना है 4 बजे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कि पैंथेरा टिग्रा किसका यहाँ पर वैज्ञानिक नाम होता है। चलो बच्चों जल्दी से इसका आंसर करो यहाँ पर, पैंथेरा टिग्रिस किसका यहाँ पर नाम होता है। नाम से ही पता चल रहा है, नाम से ही पता चल रहा है। देखो पैंथेरा टिग्रिस, पैंथेरा जो होते हैं ना वो कौन होते हैं, जैसे तेंदुआ हो गया, टाइगर हो गया, है ना। जो कैट फैमिली होती है, जो बिल्ली का परिवार होता है उसमें जो काफी बड़े होते हैं शेर को छोड़ के, है ना, उसके बाद तो उन सभी को हम पैंथेरा शब्द से यहाँ पर दिखाते हैं। जैसे चीता हो गया, इन सभी को क्या कह रहे हैं, पैंथेरा यहाँ पर कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिखोगे टाइग्रिस, टाइग्रिस मतलब क्या होता है, टाइगर, बाघ, तो इसका इसलिए जो आंसर यहाँ पर बनेगा वह क्या है, बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम यहाँ पर बढ़ते हैं। हमारे चेहरे में कितनी हड्डियां यहाँ पर पाई जाती हैं, हमारे चेहरे में कितनी हड्डियां यहाँ पर पाई जाती हैं। जल्दी से इसका आंसर करो, फटाफट से इसका आंसर करो, कौन सा आंसर यहाँ पर आपका सही बनना चाहिए। तो बच्चों एक चीज यहाँ पर ध्यान में रखना, हमारे चेहरे में कितनी हड्डियां पहचानी जाती हैं, 14 हड्डियां। कितनी, 14 हड्डियां हमारे चेहरे में पाई जाती हैं। और हम अपना जो चेहरा होता है शर्माते हैं तो क्या करते हैं, अपने हाथों से ढक लेते हैं ना, अरे मैं तो शर्मा गया। तो इसका मतलब है कि हमारी जो हाथों में हड्डियां हैं, मतलब हाथों मतलब हमारी जो उंगलियों में हड्डियां हैं और जो हमारी चेहरे की हड्डियां हैं वह एक जैसे ही हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि हमारी उंगलियों में कितनी हड्डियां होती है तब आपको आंसर करना, हमारी उंगलियों में 14 हड्डी होती है और हमारे फेस में भी 14 हड्डी होती है। तो आपको दो चीजें एक साथ याद हो गई। अच्छा एक चीज और बताओ, अगर आप किसी भी ह्यूमन को देखते हो, अडल्ट है, वयस्क मानव है, तो उसके अंदर कितनी हड्डियां आपको दिखाई देंगी। तो आंसर करना यहाँ पर 206 हड्डियां यहाँ पर दिखाई देंगी। ठीक है, और अगर आपसे कभी यह पूछा जाए कि यह बताइए कि कोई छोटा बच्चा है जो अभी अभी जन्म लिया है, यानी कि कोई इन्फेंट यहाँ पर है, जिसे आप कह सकते हो कि कोई यहाँ पर शिशु है ना, छोटा सा प्यारा बेबी अभी अभी जन्म लिया है, उसके अंदर आपको कितनी हड्डियां यहाँ पर दिखाई देंगी। तो लिखना 300+। ठीक है, 300 से भी ज्यादा हड्डियां आप लोगों को यहाँ पर दिखाई देंगी। बेटा एक हाथ की अगर आप यहाँ पर, पंकज आपका आ रहा है कमेंट, परेशान मत हो, एक हाथ की अगर आप हड्डियों के बारे में बात करो तो एक हाथ में यहाँ से लेके आपकी जो हड्डियां होंगी प्रॉपर वो 30 हड्डी होगी। मैं सिर्फ उंगलियों की बात कर रही हूँ, उंगलियों में कितनी हड्डियां होंगी तो आंसर करना कि उंगलियों में 14 हड्डियां होती है, चेहरे में 14 हड्डियां होती है। ठीक है मनीषा गाना नहीं गाना है, आय हाय शर्मा गए क्या ठीक है चलो अच्छा है, ओके पढ़ लो नहीं तो मम्मी आ जाएंगी। ठीक है चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट की ओर हम यहाँ पर पढ़ते हैं। मैं अभी अभी अंकल बना हूँ, बहुत अच्छे बहुत बढ़िया अजय, कॉन्ग्रेचुलेशन सभी बच्चों को। जो हमारे घर में भी गुड़िया हुई है एक छोटी सी कुछ दिन पहले, एक और होने वाली है बहुत जल्दी, फिर हम मौसी बन जाएंगे, मतलब सगे नहीं मतलब फ्रेंड है उनके यहाँ। चलो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, हम लोगों को 10 हड्डी एक्स्ट्रा देनी चाहिए। अरे 10 हड्डी क्यों एक्स्ट्रा देनी चाहिए, ठीक है बस इतनी हड्डियां, 30 हड्डियां है उसका उपयोग कर लो पहले अच्छे से। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट है यहाँ पर कि हेलोफाइट्स आर द प्लांट्स दैट ग्रोन इन, हेलोफाइट्स वे पौधे हैं जो कहाँ पर उगते हैं। चलो बच्चों जल्दी से इसका आंसर करेंगे, कौन सा आंसर यहाँ पर आपका सही होना चाहिए बताइए, फटाफट से इसका आंसर करिए, जल्दी से इसका आंसर करिए। क्या बात है, बहुत अच्छे बहुत बढ़िया बहुत अच्छे। अब आंसर की हम बात करें तो जो हेलोफाइट्स होते हैं वह क्या होते हैं, जो खारे पानी में उत्पन्न होते हैं। ठीक है, जहां पर अगर आप देखो कि खारा पानी है, नमक युक्त मतलब पानी है, जहां पर कह सकते हो कि क्षारीय प्रवृत्ति ज्यादा है, वहां पर जो पौधे बहुत जल्दी आसानी से यहाँ पर उग जाते हैं उनको यहाँ पर क्या कहा जाता है, तो आंसर करना कि उनको हम हेलोफाइट्स यहाँ पर कहते हैं। दीदी बच्चों में ज्यादा क्यों होता है, अच्छा बेटा होता क्या है कि जब छोटे बच्चे जन्म यहाँ पर लेते हैं ना तो उनमें नाजुक नाजुक हड्डी होती है, बहुत सॉफ्ट हड्डियां होती हैं। ठीक है, बहुत सारी हड्डियों के साथ पैदा होते हैं, फिर जब हम बड़े होते जाते हैं तो धीरे धीरे वो हड्डियां कठोर यानी कि बहुत ज्यादा रिजिड होती जाती है, कठोर होती जाती है और वो हड्डियां क्या करेंगी आपस में जुड़ जाती हैं। जैसे 3-4 हड्डियां जो बहुत छोटी छोटी थी, बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट थी, वो एक साथ जुड़ गई। बहुत सारी हमारी कशेरू की होती है जैसे रीढ़ की हड्डी है ना, तो उनमें भी जो वर्टिब्री होती है, रीढ़ की हड्डी जो होती है वह क्या होती है, वो भी आपस में जुड़ जाती है। तो इस वजह से क्या होता है कि जब हम बड़े होते हैं तो हड्डियों की संख्या कम हो जाती है क्योंकि वो आपस में जुड़ करके एक हड्डी बन जाती है। ठीक है, तो ऐसे ध्यान रखना। ठीक है प्रीति, चलो अब नेक्स्ट यहाँ पर फैलिस कैंटस किसका यहाँ पर साइंटिफिक नाम है। चलो बच्चों जल्दी से इसका आंसर करो, यहाँ पर कौन सा आंसर यहाँ पर आपका सही होना चाहिए। मैम मैं नानी माँ से दोनों बन गई, बहुत बढ़िया। चलो ठीक है, अब बताओ बच्चों जल्दी से इसका आंसर करो, यहाँ पर बताओ जल्दी से। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत सही, बहुत अच्छे। छोटे बच्चों में हड्डियां आपस में जुड़ जाती हैं और वयस्क में 206 रहती हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम यहाँ पर बढ़ेंगे। बताइए अब नेक्स्ट जो आपका यहाँ पर पॉइंट बढ़ता है वो आपका आ जाएगा यहाँ पे कैटस। कैटस की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो कैटस का क्या मतलब होता है, यहाँ पर बिल्ली। ठीक है, तो फटाफट से नोट करो आंसर क्या बनेगा यहाँ पर, कैट यानी बिल्ली, यहाँ पर बिल्कुल आपका सही आंसर बनेगा। ठीक है, तो अगर आप फैलिस कैटस के बारे में बात करते हैं तो जो फैलिस कैटस होता है किसका साइंटिफिक नाम होता है, बिल्ली का यहाँ पर यह साइंटिफिक नाम होता है। ठीक है बच्चों, तो फटाफट से इसको नोट कर लो। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम यहाँ पर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन मिट्टी में नाइट्रोजन नियमित को यहाँ पर प्रेरित करते हैं। प्रोटोजोवा हो गया, बैक्टीरिया हो गई, कवक हो गई, शैवाल हो गई। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम किसी सॉइल के अंदर सबसे ज्यादा यहाँ पर कौन करेगा, सबसे ज्यादा यहाँ पर कौन करेगा, बताओ जल्दी से इसका आंसर करो, कौन सा आंसर यहाँ पर आपका सही होगा। और आंसर की हम बात करें तो आंसर क्या बन जाएगा यहाँ पर, कि अगर आप बैक्टीरिया को देखते हो, जैसे अभी भी मैंने आपको तुरंत पहले ही यहाँ पर बताया था कि अगर आप बैक्टीरिया को यहाँ पर देखेंगे तो जो बैक्टीरिया होती है उसके अंदर बड़ी कैपेसिटी होती है कि वह मिट्टी में नाइट्रोजन फिक्सेशन को बहुत ही आसानी से यहाँ पर कर सकती है। अभिषेक आप यहाँ से पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपने मिशन वर्दी लिया है तो कुछ दिनों बाद वहां पे भी मेरी क्लास शुरू होगी, तो परेशान मत हो, है ना। तब तक आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। डेली शाम को 4 बजे यह क्लास मेरी यहाँ पर चलती है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर यहाँ पर बढ़े, पर कुछ बैक्टीरिया के नाम बताओ, जैसे कि राइजोपस हो गया, इसके अलावा मैंने आपको सॉरी राइजोबैक्टर हो गया, राइजोपस कह रही हूँ, राइजोबैक्टर यहाँ पर हो गया। इसके अलावा आप देख सकते हो यहाँ पर कि जो एग्री बैक्टर हो गया। तो ये जो बैक्टीरिया होते हैं यह क्या काम करते हैं यहाँ पर, आपको आंसर करना है कि नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम यहाँ पर करते हैं। ठीक है, तो ये सभी बैक्टीरिया हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम यहाँ पर बढ़ते हैं, और जिन बच्चों का यहाँ पर पहली क्लास है उनका बहुत बहुत स्वागत है, पर डेली आपको क्लास में आना है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे बड़ी ज्ञात कोशिका है? इनमें से कौन सी यहाँ पर सबसे बड़ी ज्ञात कोशिका है, यानी कि अगर आप इनमें से देखो तो सबसे बड़ी जो कोशिका है वह कौन सी है इन चारों में से? बताओ फटाफट से इसका आंसर करो, कौन सा आंसर यहाँ पर आपका सही होना चाहिए। अब आंसर की अगर हम यहाँ पर बात करें तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑस्ट्रिच एग, शुतुरमुर्ग का अंडा। तो जो शुतुरमुर्ग का अंडा होता है वह सबसे बड़ा अंडा होता है, मतलब सबसे बड़ी कोशिका वह यहाँ पर होती है, सबसे बड़ा अंडा भी यह होता है और साथ में सबसे भारी अंडा भी यह होता है। ठीक है, अगर आप किसी मुर्गी के अंडे को देखते हो तो उससे लगभग 13 से 14 गुना ज्यादा बड़ा यह अंडा आपको दिखाई देता है। ठीक है, और अगर आप पूरी दुनिया के बारे में बात करें तो सबसे बड़ा अंडा यही है और सबसे बड़ी कोशिका भी यही है। ठीक, अगर आपसे यह पूछा जाता है कि सबसे छोटी कोशिका कौन सी है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, माइकोप्लाज्मा। ठीक है, लेकिन अगर हम अपने शरीर के बारे में बात करें तो हमारे शरीर में जो सबसे छोटी कोशिका होती है वो है स्पर्म यानी शुक्राणु, सबसे बड़ी कौन सी होती है, ओवम जिसको आप डिंब कहते हो, और साथ में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है तो आंसर करना न्यूरॉन जिसको तंत्रिका कोशिका कहते हो, वो सबसे लंबी यहाँ पर होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर यहाँ पर बढ़ते हैं, जानवरों का वह सहयोग जिसमें दोनों भागीदार लाभान्वित होते हैं उसको किस नाम से यहाँ पर जाना जाता है? उसको किस नाम से यहाँ पर जाना जाता है? बताओ बच्चों, जल्दी से इसका आंसर करेंगे, कौन सा आंसर यहाँ पर आपका सही होना चाहिए। तो पहला है यहाँ पर एमेंसिलिज्म, एक सेकेंड रुक जाओ, पहला है आपका यहाँ पर एमेंसिलिज्म, दूसरा है यहाँ पर कॉमनसिलिज्म, तीसरा है यहाँ पर कॉलोनी और दूसरा है यहाँ पर म्यूचुअलिज्म। चलो बच्चों जल्दी से इसका आंसर करेंगे, कौन सा आंसर यहाँ पर आपका सही होना चाहिए। अब इसका जो सही यहाँ पर आंसर बनेगा वह क्या हो जाएगा, तो लिखो यहाँ पर चौथा, म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म को ही हम सभी यहाँ पर क्या कहते हैं, सहजीविता कहते हैं। क्या कहते हैं, सहजीविता कहते हैं। और म्यूचुअलिज्म को हम अलग और नाम से भी जानते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप के रूप में भी हम यहाँ पर जानते हैं। ठीक है, तो फटाफट से आप इसको यहाँ पे नोट कर लीजिए। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? ठीक, आगे हम यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगर आप सभी कॉमनसिलिज्म और एमेंसिलिज्म के बारे में बात करें तो इसके बारे में भी मैंने आप लोगों को बताया था। ऐसा कैसे मैम? देखो बेटा, आप सभी ने लाइकेन के बारे में पढ़ा है, लाइकेन के बारे में। लाइकेन की अगर आप बात करते हो तो जो भी हमारा लाइकेन होता है वह क्या है, दो अलग अलग तरह के जीवों से मिलकर के यहाँ पर बना हुआ है। पहला है एल्गी और दूसरा है यहाँ पे कवक, यानी पहला है एल्गी जिसको आप शैवाल कहते हो और दूसरा है फंजाई जिसको आप लोग यहाँ पर कवक कहते हो। उन दोनों से मिलकर के यह यहाँ पर बना हुआ है, दोनों ही साथ साथ यहाँ पर रहते हैं। जो भी फंजाई होता है, जो भी कवक होता है, वह रहने के लिए जगह देता है और जो एल्गी होता है उसके पास क्लोरोफिल होता है तो वह भोजन का निर्माण यहाँ पर करता है, भोजन यहाँ पर बनाता है और कवक को देता है और दोनों बहुत ही हंसी खुशी यहाँ पर रहते हैं। और इस पूरे सिम्बायोटिक रिलेशनशिप को, सहजीविता को हम किस नाम से जानते हैं, लाइकेन के रूप में यहाँ पर जानते हैं। और इसीलिए जो आंसर यहाँ पे बनेगा वह क्या है, हमारा डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। ठीक है बच्चों, तो इस चीज को यहाँ पर ध्यान आपको रखना है। तो फटाफट से इसको नोट कर लीजिए, जल्दी से इसको यहाँ पे नोट कर लीजिए। बहुत बढ़िया सुनहरी, सुनहरी बहुत बढ़िया, आकाश बहुत बढ़िया। चलो अब नेक्स्ट पॉइंट की ओर हम यहाँ पर बढ़ेंगे। लाइकेन को कवक और शैवाल के बीच की कड़ी कहा जाता है क्या? नहीं, नहीं, बिल्कुल भी नहीं कहा जाता। यदुवंशम, यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि इन दोनों से मिलकर के यह यहाँ पर बना हुआ रहता है। चलो अब नेक्स्ट पॉइंट की ओर हम यहाँ पर बात करते हैं। अब जो नेक्स्ट जो यहाँ पे पॉइंट आता है वो है एमेंसिलिज्म। अब एमेंसिलिज्म की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो एमेंसिलिज्म का क्या यहाँ पर मतलब है, जैसे एक ये जीव है, दूसरा ये जीव है। ठीक है, अब इन दोनों जीवों की अगर हम बात करें तो जो पहला जीव है वो कुछ रसायन निकाल रहा है या वो रह रहा है जहां पे उसको रहना है, लेकिन उसकी वजह से जो दूसरा वाला है उसको काफी नुकसान यहाँ पर झेलना पड़ रहा है। ठीक है, उसको बहुत ही नुकसान यहाँ पर झेलना पड़ रहा है। और इस तरह की रिलेशनशिप को हम एमिसिलिज्म के नाम से यहाँ पर जानते हैं। जैसे मान लो कि दो क्लासमेट्स हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पर रह रहे हैं, ठीक है। अब एक जो है वो नॉर्मल आराम से बैठा है, पर उसकी वजह से किसी और को बहुत प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। इस तरह के रिलेशनशिप को हम एमेंसिलिज्म यहाँ पर कहते हैं। पर जो पहला वाला है उसको पता ही नहीं है, और पहला वाला ना तो उसको कोई लाभ मिल रहा है ना तो उसको कोई हानि हो रही है, लेकिन जो उसकी वजह से जो दूसरा इंसान है या दूसरा कोई इंडिविजुअल है, कोई भी पौधा है, कोई भी जंतु है, उसको क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। तो उस तरह की रिलेशनशिप को हम क्या कह रहे हैं, एमेंसिलिज्म कह रहे हैं। अब आसपास आप कैसे देख सकते हो, मान लो जैसे कि एक बड़ा सा पेड़ है। अब जो पेड़ होते हैं वो बहुत सारे रसायन अपने आप में यहाँ पर निकालते रहते हैं। तो आपने देखा होगा कि कोई भी अगर बड़ा पेड़ है तो उसके नीचे जो छोटे छोटे पौधे होते हैं उसी प्रजाति के, वो बहुत अच्छे से उग नहीं पाते। देखा है आपने, दूसरे जो घास फूस होंगे बस वही उग जाएंगे। पर वैसे नॉर्मली अगर देखो तो बाकी जो और पौधे होते हैं उसी वंश के या उसी जीनस के, वो अच्छे से नहीं उग पाते, और उसे यहाँ पर क्या कहा जाता है, एमेंसिलिज्म कहा जाता है। नेक्स्ट आपका आता है कॉमनसिलिज्म। कॉमनसिलिज्म का मतलब होता है कि कोई एक व्यक्ति है और उसकी वजह से किसी दूसरे को लाभ यहाँ पर पहुंच रहा है। पहले वाले को पता ही नहीं है कि कुछ हो रहा है नहीं हो रहा है, वो न्यूट्रल है, वो उदासीन है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन जो दूसरा वाला है उसको उसकी वजह से फायदा यहाँ पर पहुंच रहा है, और इस तरह के रिलेशनशिप को हम क्या कहते हैं, यहाँ पर कॉमनसिलिज्म हम उसको यहाँ पर कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉमनसिलिज्म हम उसको यहाँ पर कहते हैं, ठीक है। जैसे कि आपने देखा होगा कि बड़े बड़े से जो मछलियां होती हैं उनके पीछे पीछे छोटी छोटी मछलियां उनके पीछे पीछे तैरती रहती हैं। क्यों तैरती हैं, क्योंकि बड़ी मछली जब शिकार करती है, खाना खाती है, खाना खा के वो छोड़ देती है, तो वो बचा हुआ खाना वो छोटी छोटी मछलियां मिलके खा लेती हैं। तो बड़ी मछली को ना तो लाभ है ना तो कोई हानि है, मजे से वो खा रही है, शिकार कर रही है, दौड़ रही है, इधर उधर भाग रही है, ठीक है, तैर रही है। लेकिन जो छोटी छोटी मछलियां उसके पीछे पीछे भाग रही है, उनको बहुत ज्यादा यहाँ पर फायदा होता है। इसके अलावा आपने देखा होगा कि अगर आप शेर के बारे में बात करते हो तो शेर ने क्या काम किया यहाँ पर, कि खूब सारा शिकार किया और खाया, थोड़ा सा शिकार बच गया, उसने वहीं छोड़ दिया, अब आगे चला गया अपना, है ना, गुफा की तरफ चला गया सोने के लिए। इतने में लोमड़ी, सियार, ये सब आएंगे और जो बचा हुआ खाना है उसको यहाँ पर खा लेंगे। तो बचा हुआ खाना है उसको अगर उन्होंने खा लिया तो उनको फायदा हुआ, लेकिन शेर को उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, ना लाभ मिला ना हानि मिली। तो इसको हम क्या कहते हैं, यहाँ पर कॉमनसिलिज्म कहते हैं। इस चीज को याद रखिएगा, याद रहेगा, ठीक है। चलो अब कॉलोनी की हम बात करते हैं। कॉलोनी का मतलब होता है, जैसे आपने देखा होगा कि भाई किस कॉलोनी के हो, कॉलोनी का मतलब होता है यहाँ पर कि जब कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी प्राणी कैसे रह रहा है, इकट्ठा रह रहा है। जैसे हम लोग अगर पूरा घर परिवार बसा के रहे, जैसे गांव है, कस्बा है, तो इसको क्या कहा जाता है, कॉलोनी में रहना। बिल्कुल उसी तरीके से पेड़ पौधे भी कई बार कॉलोनी में रहते हैं, एल्गी, बैक्टीरिया, ये लोग भी कॉलोनी में रहते हैं, तो उसको कॉलोनी कहा जाता है। जब बहुत सारे प्राणी एक साथ वहां पर रहते हैं, एक ही जैसे, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखना। सभी को समझ आया यहाँ तक, ठीक है। चलो अब आगे नेक्स्ट पॉइंट, निमोनिया मानव शरीर के किस अंग को यहाँ पर प्रभावित करता है। चलिए बच्चों, जल्दी से इसका आंसर करेंगे, कौन सा आंसर यहाँ पर आपका सही बनेगा। तो यहाँ पर अगर आप निमोनिया के बारे में बात करते हो तो निमोनिया जो हमारे फेफड़े होते हैं उनको सबसे ज्यादा यहाँ पर प्रभावित करता है, ठीक है। पानी भर जाना, इन्फेक्शन हो जाना, टीवी हो जाना, ठीक है, या फिर पानी में डूब जाना, कोई भी रीजन हो सकता है, पर उसकी वजह से क्या हो रहा है, निमोनिया हो रहा है, और इसकी वजह से फेफड़े हमारे खराब हो जाते हैं। यहाँ तक कि आपने छोटे बच्चों को भी देखा होगा कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनको बहुत ज्यादा सर्दी जुकाम अगर रहता है तो उनको भी निमोनिया हो जाता है, ठीक। तो इससे फेफड़े की हानि यहाँ पर होती है। नेक्स्ट, मेंडल को किस रूप में यहाँ पर जाना जाता है। अभी एसएससी वाले बच्चे जो हैं, सीजीएल वाले बच्चे, उनका पेपर चल रहा है 1 तारीख से, उसमें ये प्रश्न आया था, मेंडल को किस रूप में यहाँ पर जाना जाता है। ग्रेगर जॉन मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल एक पादरी थे, चर्च में काम करते थे। कुछ बच्चे कहेंगे पादरी क्या होता है ना। तो पादरी मतलब होता है यहाँ पर कि जैसे पुजारी होते हैं या मौलाना साहब होते हैं ना, कोई भी रिचुअल करवाने के लिए, ऐसे अगर ईसाई धर्म यानी क्रिश्चियनिटी की बात करें तो वहां पर पादरी होते हैं जिनको हम फादर कहते हैं, राइट। तो उनकी अगर हम बात करें तो वो सब वैसे ही थे मेंडल, ये चर्च में थे, ऑस्ट्रिया के थे, ऑस्ट्रेलिया नहीं ऑस्ट्रिया के थे, इसके ऊपर भी प्रश्न पूछा जाता है, ऑस्ट्रिया के थे। और इन्होंने ही सबसे पहले ना अनुवांशिकी के बारे में बताया था, मटर के पौधे के ऊपर इन्होंने काम किया था, 7 लक्षणों के ऊपर काम किया था। और इतने लकी थे कि जो 7 लक्षणों के ऊपर इन्होंने काम किया वो उनके जीवन काल में ही उन्हें देखने के लिए मिल गया, क्योंकि इन्होंने मटर के पौधे का उपयोग यहाँ पर किया था। साथ ही क्रोमोसोम उसके अंदर कर यहाँ पर पाए जाते हैं। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा यहाँ पर, सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा कि यह जेनेटिक्स के पिता यहाँ पर थे या है। लेकिन एक चीज बहुत खराब थी कि जब इन्होंने अपने जीवन काल में काम किया, इन्होंने बहुत सारे जनरल पेपर भी उसके बारे में, रिसर्च पेपर भी उन्होंने यहाँ पर छपवाए, लेकिन जब तक ये जिंदा रहे तब तक इन्हें कभी भी फादर नहीं कहा गया, ठीक है, ये होता है ऐसा ना। और जब इनकी मृत्यु हो गई उसके कई सालों बाद फिर इनको कहा गया कि नहीं, इन्होंने जो रिसर्च किया था वो बहुत सही था। इन्होंने जीन के बारे में भी बता दिया था, पर उस टाइम पे जीन शब्द नहीं था, इन्होंने फैक्टर नाम दिया था। क्या नाम दिया था इन्होंने? फैक्टर नाम दिया था। फिर आगे जाकर के, ठीक है, जॉनसन नाम के एक साइंटिस्ट आए जिन्होंने इस फैक्टर शब्द को क्या कहा, जीन शब्द यहाँ पर कहा, ठीक है। तो यहाँ से भी प्रश्न आपका बनता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम यहाँ पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है वो है, निम्नलिखित में से किसे आत्महत्या करने वाली कोशिका के रूप में यहाँ पर जाना जाता है? चलो बच्चों जल्दी से इसका आंसर करो यहाँ पर। विशाल अभी मेरी उसमें क्लास नहीं लगी है, कुछ दिनों में क्लास शुरू हो जाएगी, आप परेशान मत हो। चलो बच्चों जल्दी से इसका आंसर करेंगे, कौन सा आंसर यहाँ पर हमारा सही होना चाहिए। तो आत्मघाती की थैलियां किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को कहा जाता है। तो आंसर करेंगे ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। देखो पहले है लाइसो और फिर दूसरा लिखा है लाइको, है ना, तो आपको कंफ्यूज करने के लिए इस तरीके से भी वो कर सकता है। तो यहाँ पे लिखो सबसे पहले लाइसोसोम। लाइसोसोम की अगर आप यहाँ पर बात करते हैं तो लाइसोसोम क्या है, लाइसोसोम क्या काम करता है? तो वो हमेशा आत्महत्या नहीं करेगा, हमेशा वह सुसाइडल बैग की तरह यहाँ पर नहीं रहेगा। आपको ध्यान में रखना है कि जो भी यहाँ पर लाइसोसोम्स होते हैं, नंबर फर्स्ट कि इनका काम होता है इंट्रासेलुलर डाइजेशन करना, इंट्रासेलुलर डाइजेशन करना यानी अंतःकोशिकीय पाचन की प्रक्रिया यहाँ पर करना, ठीक है। इनके अंदर बहुत सारे हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स पाए जाते हैं जो पाचन का काम कराने में यहाँ पे मदद करते हैं। आपको यह भी पता होना चाहिए कि जो गोल्गी बॉडीज होती हैं जब वो टूट जाती हैं, है ना, या जब वो खत्म होने वाली होती हैं, तो उन्हीं से ही आगे जाकर के लाइसोसोम यहाँ पर बनता है, ठीक है। और जो लाइसोसोम होता है जब वह अनियंत्रित तरीके से काम करता है तो अपनी ही कोशिका को खा करके खत्म कर देता है और तब उसे हम क्या कहते हैं, लाइसोसोम यहाँ पर कहते हैं। और इसीलिए आंसर क्या बनेगा, ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा, ठीक। आगे नेक्स्ट, मेसोथैलेमस कैंसर एक प्रकार है और यह किसको यहाँ पर प्रभावित करता है? काफी अच्छा प्रश्न है, ये प्रश्न आया भी हुआ है बहुत सारा, बताओ फटाफट से। क्या बात, बहुत अच्छे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अगर आप मेसोथैलेमस के बारे में बात करते हैं या मेसोथैलेमियोमा के बारे में बात करते हैं तो यह कैसा कैंसर होता है जो हमारे फेफड़े को यहाँ पर बुरी तरीके से प्रभावित करता है, हमारे फेफड़े को यहाँ पर यह नष्ट कर देता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम यहाँ पर बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक कीटाहारी वनस्पति है? इनमें से कौन सा यहाँ पर एक कीटाहारी वनस्पति है? चलो बच्चों जल्दी से इसका आंसर करो, कौन सा आंसर आपका सही बनेगा। तो कीटाहारी वनस्पति मतलब जिनको हम कहते हैं कीटभक्षी, क्या कह रहे हैं, कीटभक्षी यहाँ पर कह रहे हैं, ठीक है। अब ये जो इंसेक्टिवोर्स होते हैं, कीटभक्षी या कीटाहारी जो वनस्पति होती है, यह क्या काम करती है कि जो इंसेक्ट होते हैं उनको मार मार के यह खाती है, यानी कि जो भी यहाँ पर कीट होते हैं उनको यह मार मार के यहाँ पर खाती है। क्यों ऐसा यह करती है? क्योंकि जहां पर यह पैदा होते हैं या जहां पर यह उगते हैं वहां पर क्या होगा कि जो नाइट्रोजन होते हैं, नाइट्रोजन जो होता है उसकी भारी कमी यहाँ पर देखने के लिए मिलती है, नाइट्रोजन की भारी कमी यहाँ पर देखने के लिए मिलती है और इसी नाइट्रोजन की पूर्ति करने के लिए यह ऐसा करते हैं, ठीक है। और इसका जो आंसर यहाँ पर बनेगा वह क्या है, ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही है। तो फटाफट से यहाँ पे नोट करो, यूट्रिकुलेरिया यहाँ पर बिल्कुल सही है। इसके अलावा अगर आप पीचर प्लांट्स यानी घटपर्णी पौधे के बारे में बात करते हैं, सन ड्रू के बारे में बात करते हैं, वीनस फ्लाई ट्रैप के बारे में बात करते हैं। तो ये सभी इस तरह के पौधे हैं जो कि कीट भक्षी यहाँ पर कहलाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका पॉइंट बनता है, उसे भी देखते हैं कि सिक्योविया क्या है। अगर आपसे कभी यह पूछा जाए कि इस पूरी पृथ्वी पर सबसे बड़ा पेड़ कौन सा है, सबसे बड़ा ट्री कौन सा है, तब आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर सिक्योविया ही सही आंसर होगा। सिक्योविया को ही हम लोग रेडवुड ट्री के नाम से भी जानते हैं। और ध्यान रखना कि यह एक तरह का जिम्नोस्पर्म होता है, यानी अनावृत बीजी पौधा होता है। यह माना जाता है कि यह जुरासिक काल से है ना, जब डायनासोर्स की मृत्यु हो रही थी, डायनासोर का अंतिम चरण चल रहा था, जुरासिक इरा, तब से यह यहाँ पर है। और इसीलिए इसको हम लिविंग फॉसिल्स भी यहाँ पर कहते हैं। क्या कहते हैं? लिविंग फॉसिल्स। लिविंग फॉसिल्स का मतलब होता है जीवित जीवाश्म भी कहा जाता है। ये इतने बड़े होते हैं ना कि जो इनकी जड़ जब थोड़ी बहुत, जैसे कोई भी पौधा होता है तो उसकी जड़ जमीन के अंदर है ना, लेकिन थोड़ा बहुत तो जड़ दिखाई देता है ना। जैसे बरगद के पेड़ को अगर आप देखो तो उसकी थोड़ी सी जड़ मिट्टी के ऊपर दिखाई देती है ना, बिल्कुल ऐसे ही जो इनकी जड़ थोड़ी सी दिखाई देती है वो हमसे भी काफी बड़ी होती है। इतना बड़ा यह होता है, लगभग 800 मीटर के आसपास यह लंबा होता है, 800-1300 मीटर के आसपास यह लंबा होता है, इतना बड़ा यह होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे नॉस्टॉक के बारे में। नॉस्टॉक क्या है? यह एक प्रकार का एल्गी है, एक प्रकार का शैवाल है, और इसके अंदर भी नाइट्रोजन फिक्सेशन करने की बहुत अच्छी कैपेसिटी होती है, और यह फर्टिलिटी को यानी उर्वरकशीलता को बढ़ाने का काम यहाँ पर करता है। ठीक, नेक्स्ट आपका बात आएगा यहाँ पर ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा क्या है? यह एक तरह का पौधा है, एल्गी यानी शैवाल से यह थोड़ा सा विकसित होता है, लेकिन साथ में आपको ध्यान रखना है कि इसे हम एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम यानी पादप जगत का उभयचर हम इसको यहाँ पर कहते हैं। ठीक है, तो चारों के बारे में आपको समझ आ गया अच्छे से, पर इसका जो सही यहाँ पर आंसर बनेगा वह क्या है? ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर यहाँ पर बढ़ते हैं। Dash is a multi-branched polysaccharide of the glucose that serve as the form of energy stored in the animals and fungi. ग्लूकोज का एक बहुशाखा युक्त पॉलीसेक्राइड है जो जानवरों और कवक में ऊर्जा भंडारण के एक रूप में कार्य करता है, उसे क्या यहाँ पर कहा जाता है? चलो बच्चों, जल्दी से इसका आंसर करेंगे। कौन सा आंसर यहाँ पर आपका सही होना चाहिए? बताइए फटाफट से इसका आंसर करिएगा। कौन सा आंसर यहाँ पर आपका सही होना चाहिए? देखते हैं कितने बच्चे यहाँ पे सही आंसर करके बताते हैं। अब एक चीज आप लोगों को यहाँ पर ध्यान में रखना है कि इसका जो सही आंसर बनेगा वो है ग्लाइकोजन। इसका जो सही यहाँ पर आंसर बनेगा वह क्या है? ग्लाइकोजन। इसका बिल्कुल सही यहाँ पर आंसर है। तो फटाफट से इसको नोट करिएगा कि जो बी ऑप्शन है वह बिल्कुल हमारा यहाँ पर सही है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर पॉइंट आता है कि जो ग्लाइकोजन होता है यह क्या है? ग्लूकोज जब स्टोर होता है, जब संग्रहित होता है, और अगर आप पशुओं के बारे में बात कर रहे हो, ह्यूमंस अपने बारे में बात कर रहे हो, तो जो हमारा लीवर होगा, यकृत होगा, उसके अंदर यह स्टोर होगा। जो फंजाई होते हैं, कवक होते हैं, उनके अंदर भी यह किस रूप में स्टोर होता है? ग्लाइकोजन के रूप में ही स्टोर होता है। इसीलिए आपने देखा है कि जब आपको बहुत देर तक खाना नहीं दिया जाए तो आप भूखे रहोगे, 2 दिन तक खाना नहीं दिया जाए आप कमजोर हो जाओगे, बहुत दिन तक खाना नहीं दिया जाए आप बीमार हो जाओगे, पर कभी भी ऐसा नहीं होगा कि अगर आपने एक दिन खाना नहीं खाया तो हम मर गए, ऐसा नहीं होता। एनर्जी लो हो जाती है, हम बहुत परेशान हो जाते हैं, कोई काम हम नहीं कर पाते, कमजोरी तुरंत आ जाती है, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि मर जाते हैं। वह क्यों होता है? क्योंकि जो यही हमारा ग्लाइकोजन होता है यह धीरे धीरे से ग्लूकोज में परिवर्तित होता है और हमारे शरीर को धीरे धीरे करके एनर्जी देता रहता है। ठीक है, लेकिन बहुत टाइम तक हमें भूखा नहीं रहना चाहिए, हमारा एक प्रॉपर टाइम टेबल होना चाहिए जिसमें हमें खाना खा लेना चाहिए। ठीक है, तो ध्यान रखना। अब सेलुलोज की हम बात करते हैं। सेलुलोज क्या है? तो अगर आप किसी भी पेड़ पौधे को देखें, आप सभी को पता होगा कि उसमें पादप भित्ति पाई जाती है, यानी कोशिका भित्ति पाई जाती है, सेल वॉल पाई जाती है, और सेल वॉल किसकी बनी हुई होती है? तो आंसर करना सेलुलोज की बनी हुई होती है। अगर वो बहुत ही हायर क्लास प्लांट है, यानी कि कोई एक ऐसा पौधा जैसे जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म और बहुत हाई फाई है, तो उसमें आपको सेलुलोज के साथ साथ लिग्निन और पैक्टिन नाम के भी आपको कार्बोहाइड्रेट्स देखने के लिए मिल जाते हैं। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम यहाँ पर बढ़ेंगे। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? देखो अभी तुरंत ही मैंने यहाँ पे बताया था। बताओ, चलो बच्चों जल्दी से इसका आंसर करेंगे। कौन सा आंसर यहाँ पर आपका सही होना चाहिए? बताइए। अब आंसर की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो आंसर क्या बनेगा यहाँ पर? तो फटाफट से नोट करना कि जो यकृत है, डी ऑप्शन, वह बिल्कुल हमारा यहाँ पर सही है। ठीक है, क्लियर है बच्चों यहाँ पर? क्लियर है बच्चों यहाँ पर? चलो अब हम यहाँ पर बात करते हैं लीवर के बारे में, यकृत के बारे में। यह सबसे बड़ी ग्रंथि हमारी बॉडी की होती है, साथ में ही यह सबसे बड़ा इंटरनल ऑर्गन यानी कि सबसे बड़ा आंतरिक अंग भी यहाँ पर होता है। साथ में आपको ध्यान में रखना है कि इसे हमारे शरीर की प्रयोगशाला भी कहते हैं, ठीक। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि दूसरे नंबर पर सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है दूसरे नंबर पर, तब आंसर क्या बनेगा? पैंक्रियास। आंसर क्या बनेगा? पैंक्रियास, यानी कि अग्नाशय, अग्नाशय। और साथ में आपको यह भी ध्यान में रखना है कि जो भी हमारा अग्नाशय होता है ना, वो मिक्स्ड ग्लैंड है यानी मिश्रित ग्रंथि है, जिससे हार्मोन्स भी निकलता है, एंजाइम्स भी निकलता है, अलग अलग तरह के जूसेस यानी रस भी निकलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट बनता है थायराइड। थायराइड की अगर आप बात करो तो थायराइड हमारी सबसे बड़ी अंतःस्रावी तंत्र की ग्रंथि होती है, अंतःस्रावी ग्रंथि यह सबसे बड़ी होती है। तो अगर आप यहाँ पर नॉर्मली तौर पर बात करो, प्रतिभा थैंक यू सो मच, लेकिन अभी मैं श्रीमती नहीं बनी हूँ, ठीक है। अभी मिस ही हूँ, मिसेस बहुत जल्दी बन जाएंगे तो आपको बता देंगे, पर थैंक यू आपके इन शब्दों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर कि अगर आप थायराइड के बारे में बात करते हो तो थायराइड क्या है, तो आंसर करना है आपको कि थायराइड की अगर हम यहाँ पर बात करें तो थायराइड एक ग्लैंड है, एक अंतःस्रावी ग्रंथि है जो बहुत बढ़िया तरीके से हार्मोन्स यहाँ पर निकालती है और सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि यहाँ पर होती है, ठीक है। आगे नेक्स्ट पॉइंट की ओर यहाँ पे बढ़ते हैं, बड़ी आंत यानी लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन की अगर हम यहाँ पर बात करो, बड़ी आंत की अगर हम यहाँ पर बात करें तो जो बड़ी आंत होती है वो हमारे जो भी हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, जो भी हमारा पाचन तंत्र होता है, उसका एक हिस्सा यहाँ पर होता है, अंतिम हिस्सा वह यहाँ पर होता है, ठीक है बच्चों। चलो कुछ बच्चे कह रहे हैं दावत कब दे रहे हो, बहुत जल्दी, बहुत जल्दी ही मिलने वाली है तुम लोग को दावत। चलो अब पढ़ाई कर लो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम यहाँ पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका पॉइंट बनेगा, वनस्पतियों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ पर होती है। ये तो सबसे इजी है, कहाँ पर होती है, तो आंसर आप लोगों को यहाँ पर करना है, ठीक है। बिमला ठीक है, चलो बच्चों। नेक्स्ट यहाँ पर अगर वनस्पति में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहाँ पर होती है तो पत्तियों में ही होती है। कहाँ पर होती है? पत्तियों में ही यहाँ पर होती है। तो फटाफट से इसको नोट करेंगे कि जो बी ऑप्शन है वह बिल्कुल यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। क्लोरोफिल यहीं पर ही होता है, ठीक। अब नेक्स्ट पॉइंट की ओर हम यहाँ पर बढ़ते हैं कि जो कीड़े रोग संचारित करते हैं उन्हें किस नाम से यहाँ पर जाना जाता है, उन्हें किस नाम से यहाँ पर जाना जाता है, बताओ फटाफट से इसका आंसर करो, कौन सा आंसर यहाँ पर आपका सही होगा। अच्छा मैं भूल गई थी, ओके। जितने भी बच्चे यहाँ पर आए हुए हैं जल्दी से एक बार इस सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को। और डेली शाम को 4 बजे यह क्लास होगी, आपको डेली शाम को 4 बजे आना है, ठीक है। चलो और लाइक जरूर कर दिया करो, फटाफट से एक बार लाइक कर दो और जल्दी से इसका आंसर करो। इसका जो आंसर यहाँ पर बनेगा वो है वेक्टर। आंसर क्या बनेगा यहाँ पर? वेक्टर। आप सभी को यह ध्यान में रखना है कि अगर कोई भी रोग हो रहा है जिसकी वजह से हो रहा है तो उसको यहाँ पर क्या कहा जाता है, तो आंसर करना पैथोजेंस कहा जाता है, रोगाणु कहा जाता है जिसकी वजह से यह रोग हो रहा है, ठीक है। लेकिन अगर यह फैल रहा है तो जैसे मान लो मलेरिया के बारे में बात करते हैं। मलेरिया का जो रोग होता है वह प्रोटोजोआ की वजह से होता है जिसका नाम है प्लाज्मोडियम। तो प्लाज्मोडियम क्या हो गया हमारा? पैथोजन। पर फैल किसकी वजह से रहा है? फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो, मादा एनाफिलिस मच्छर की वजह से यह यहाँ पर क्या कर रहा है? फैल रहा है ना। तो ये क्या हो गया यहाँ पर? वेक्टर हो गया, ठीक। तो इस चीज को आप लोगों को ध्यान यहाँ पर रखना है। चलो आगे हम यहाँ पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी यहाँ पर होती है। थैंक यू रुचि। चलो बच्चों अब जल्दी से इसका आंसर करो, कौन सा आंसर यहाँ पर आपका सही होगा। अब यहाँ पर बात हो रही है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी दूसरे नंबर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी यहाँ पर है। और अभी देखो तुरंत मैंने यहाँ पे बताया था, ठीक है। सपना सभी, अब सभी बच्चे ना टाइम पे आया करो, 4 बजे क्लास होती है, ठीक है। मैं लास्ट टाइम बता रही हूँ, नहीं तो पिटाई होगी अब सबकी। बताओ बच्चों और जल्दी से इसका आंसर करो। आंसर है इसका डी ऑप्शन यानी पैंक्रियास, अग्नाशय। अभी तुरंत ही मैंने यहाँ पर बताया था, ठीक है। मैम आप अपनी शादी में बुलाओगे? बिल्कुल बुलाएंगे, बिल्कुल बुलाएंगे। पर अभी पढ़ाई कर लो, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम यहाँ पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन यहाँ पर बनता है वो है कि मस्तिष्क के किस भाग में प्रेरक कौशल जुड़े हुए होते हैं, किस भाग में प्रेरक कौशल जुड़े होते हैं, जैसे रीजनिंग, तर्क, वितर्क, मेमोरी, याद करना, अच्छी यादें बनाना, है ना, बुरी यादें रहना, ये सब की अगर हम यहाँ पर बात करें तो इन सभी को अगर हम देखें तो ये सभी के सभी क्या है, हमारे प्रेरक कौशल से जुड़े हुए होते हैं। और कहाँ पर पाए जाते हैं तो यह फ्रंटल लोब में पाए जाते हैं, ललाट भाग में। एक चीज और आपको ध्यान में रखना है कि जो भी यहाँ पर ललाट भाग होता है, ठीक है सपना, कोई बात नहीं, तो जो भी हमारा ललाट भाग होता है वहीं पर ही ना सेरेब्रम भी पाया जाता है, सेरेब्रम। और सेरेब्रम को क्या कहा जाता है, प्रम मस्तिष्क कहा जाता है। तो इस चीज को ध्यान यहाँ पर रखिएगा, ठीक है, क्लियर है? हाँ बिल्कुल निहाल। अब नेक्स्ट, प्रोटोजोआ को छोड़कर प्राणी जगत के सभी सदस्यों में कौन सा एंजाइम यहाँ पर पाया जाता है? और आंसर की अगर हम बात करें तो आंसर क्या हो जाएगा, एमाइलेज। फटाफट से नोट करेंगे, डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, एमाइलेज। ठीक है, अब एमाइलेज की अगर आप बात करो तो सबसे पहले आपको यह यहाँ पर समझना है, बच्चों पढ़ लो, मैडम की शादी के पीछे मत पढ़ो, ठीक है। चलो, एक बच्चा कह रहा है कि सभी पहुंच जाएंगे तो खाना खत्म हो जाएगा, एक कह रहा है कि तू प्लेट धो लेना भाई, कोई बात नहीं। अरे भाई पढ़ लो, क्या कर रहे हो, जब शादी होगी सबको बताऊंगी, डोंट वरी, परेशान मत हो, तुम लोग जो भी आसपास हो, दूर हो, आ जाना, पहले से बता दूंगी, पर अभी पढ़ लो, ठीक है, पढ़ लो यहाँ पर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जो आपका है वो है एमाइलेज। एमाइलेज की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो यह एक ऐसा एंजाइम है जो सभी के अंतर्गत यहाँ पर अंदर पाया जाता है। और दूसरे नंबर पर आपको यह भी ध्यान में रखना है कि जो एमाइलेज होता है वो कार्बोहाइड्रेट के पाचन के लिए काम करता है। लेकिन अगर आप बात कर रहे हो प्रोटोजोआ के बारे में तो प्रोटोजोआ में यह नहीं पाया जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट यहाँ पे कि कंपेनियन सेल्स किसके अंतर्गत यहाँ पर पाई जाती हैं। अब जो कंपेनियन सेल्स हैं वह क्या होती हैं, सबसे पहले हम इसको यहाँ पे पढ़ेंगे। कंपेनियन सेल्स जो होती हैं वह जो हमारी उच्च श्रेणी के टिश्यूज होते हैं, जैसे पेड़ पौधों की अगर आप बात करो, पेड़ पौधों में आप देखोगे कि वेस्कुलर बंडल्स होते हैं। वेस्कुलर बंडल्स का क्या मतलब होता है, यहाँ पर जो संवहनी ऊतक होते हैं। और खास तौर से अगर आप फ्लोएम और जाइलम की हम बात करें तो उनमें आप क्या देखोगे कि कंपेनियन सेल्स, उनके साथी सेल्स यहाँ पर पाए जाते हैं। और उनकी हम बात करें तो वो सबसे ज्यादा कहाँ पर पाए जाएंगे कि जो पुष्पधारी पेड़ पौधे होते हैं, यानी एंजियोस्पर्म्स होते हैं, उनके अंतर्गत यहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है बच्चों, चलो तो अब ये रहा आज आप लोगों का यहाँ पर होमवर्क। जितने भी बच्चे यहाँ पर आए हैं जल्दी से एक बार इस सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। आप लोगों के साथ समय का पता ही नहीं चला, दूसरे सर की क्लास है, मुझे जाना पड़ेगा। कल फिर से शाम को 4 बजे मेन एग्जामपुर यूट्यूब चैनल पर मैं मिलूंगी, सभी जरूर आ जाना, ठीक है। और साथ में ही जरूर इसका आंसर करना और यह बताना कि आपको यह क्लास कैसे लगी। तो थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।